ड्यूटी बेचने वाला बेचारे का धंधा नहीं हो रहा था तो रेडियो लगाया मन की बात, टीवी लगाया धन की बात, अखबार खोला तो मोदी जी वहां गए यहां गए आ गए निकल गए। तो वो जड़ी बूटी बेचने वाले के अंदर मोदी साहब को ज्यादा देखने के कारण, सुनने के कारण, पढ़ने के कारण वो जड़ी बूटी वाले के अंदर मोदी साहब की आत्मा घुस गई। अब वो बेचारा रोज की तरह अपना धंधा करा लेकिन आज आत्मा घुसने के कारण उसकी आवाज जो है मोदी साहब जैसी बन गई है। तो वहां कॉमेडी कैसे देखे, जड़ी बूटी वाले के अंदर मोदी साहब घुस गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके घुटनों में दर्द है क्या? आपके जोड़ों में दर्द है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घुटनों के दर्द से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए भाई और बहनों? क्या जोड़ों के दर्द से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या घुटनों के दर्द से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए, क्या जोड़ों के दर्द से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए भाई और बहनों? इसलिए सांडे का तेल लगाइए, बड़ा बोतल 20 रुपए में, छोटा बोतल 15 रुपए में। मित्रों, मेरी दवाई ऐसी लगाओगे क्या? परहेज नहीं पूछोगे? तो बताइए गुरुजी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? भाई और बहनों, बस रोटी नहीं खाना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए, तो फिर हम मर जाएंगे ना। कुछ तो खाना चाहिए, कुछ तो पीना चाहिए। मित्रों, फिर पकोड़े खाना चाहिए और चाय पीनी चाहिए। भाई और बहनों, अब इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस वाले कहेंगे पंजा का बटन दबाइएगा, आप वाले कहेंगे झाड़ू के सामने वाला बटन दबाइएगा, सेना वाले कहेंगे धनुष पान का बटन दबाइएगा, मैं कहूंगा किसी भी बटन को दबाइएगा। हमें मशीन पे पूरा भरोसा। बोलो भारत।